तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। तो कल के दिन में वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ पर्सनल काम चल रहे थे, एंड इसलिए कल की जो एक दो न्यूज़ थी मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो एक दो न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एंड टाइम टाइम तो मैं देता ही हूँ, तो आप दूसरे न्यूज़ भी देख सकते हो। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा 30,500 सब्सक्राइबर्स का गोल है, तो सब्सक्राइबर्स गोल भी पूरा करवा देना। एंड अपनी पहली न्यूज़ है जोनाथन की तरफ से। तो जोनाथन जब लाइव आए थे तो बात करते गॉडलाइक के चेंजेस के बारे में, इसी के साथ साथ गॉडलाइक के परफॉर्मेंस पे भी उन्होंने बात करी। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सॉरी ब्रो, टीम का परफॉर्मेंस आए या ना आए, यू आर द वन हु ऑलवेज ना एम्बिविलेंट। अरे ऐसा नहीं यार, देखो सिंपल चीज है, अगर टीम देखो सुनो, अगर टीम मुझे बैकअप देगी तब ये होगा। एक समझ रहे, ऐसा नहीं कि मुझे पता है कि थोड़ा अप्स एंड डाउन होता है, वो चीज तो मैं भी मानता हूँ लाइक, बट समझ रहो एज ए टीम अगर आप डोमिनेट करोगे तो भाई नेक्स्ट लेवल होगा। मेरा वही वही है कि ऐसे ही बोलूँगा यार कि अभी मेरा मेरा और मेरे टीम का मेन फोकस अभी यही है कि BMPS BMOC तो एक दिन का ही है, वो करना है। तो अभी जस्ट वेट करो, फाइनेंस के लिए वेट करो। अभी बहुत सारे बोल सकता हूँ लाइक चेंजेस तो नहीं, लाइक छोटे मोटे लाइक आपको पता चल ही जाएगा इन द अपकमिंग डेज, तो तैयार रहना। एंड चलिए अपने नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपना बात करने वाले TX के बारे में, तो स्काउट जब लाइव आए थे तो उनके लाइव स्ट्रीम पे कंफर्म हुआ, मतलब मावी ने बताया कि जैसे कि हमको पता है कि स्काउट के भी नए घर का भी काम चल रहा है, इसीलिए जो TX के प्लेयर है वो मावी घर पे शिफ्ट होने वाले कुछ टाइम के लिए। एंड चलिए अपने नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो AQOP जब लाइव आए थे तो लोग उनसे पूछ रहे थे कि क्या आप सोल को ज्वाइन कर सकते हो क्या, तो इसका रिप्लाई उन्होंने दिया था। एंड उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोल में चले जाओ, जाते हैं भाई, बुलाएंगे ना तब जाएंगे, जिस दिन गोल्डी भाई बुलाएंगे उस दिन जाएंगे, ठीक है। सोलो क्यों भी कब होगा बताओ प्लीज, अब मैं कैसे बताऊँ भाई, सोलो क्यों भी कब होगा मैं कैसे बताऊँ, जब होना होगा। एंड अपने नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंसे जब लाइव आए थे तो बात की थे निंजा के बारे में, तो इस पर रिप्लाई देते उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई निंजा जॉर्ड कल क्या ही खेला कल, हाँ भाई निंजा तो जॉर्ड है भाई, दल्ला सेंसे क्या हो गया भाई ऐसे। हेलो पांडा भाई, हेलो हेलो जानो, आज पांडा वाली टी-शर्ट पहन ली। एंड चलिए अपने नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्राफ्टर ने बता दिया कि वो 3 वेबटून सीरीज लाने वाले जो कि बेस होगी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के ऊपर। एंड इसी से रिलेटेड लेट्स ग्रो स्पोर्ट्स ने एक पोस्ट भी डाला था जो कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ओके आप लोगों का क्या स्वाइप भाई, गाइस जो भी शूट्स आने वाले हैं आप लोग को तो मजा आएगा। ऑलरेडी प्लेग्राउंड अनाउंस हो चुका है, आप लोगों को पता ही है, इट्स द फर्स्ट एवर गेमिंग एंटरटेनमेंट शो इन द वर्ल्ड। उसमें क्या होने वाला है वो सब आपको बाद में पता चलेगा विद टाइम, टीजर ट्रेलर सब आएगा। एंड चलिए अपने नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि गॉडर के चेंजेस के बारे में बात चल रही है, तो नियो जब लाइव आए थे तो इसी बारे में बात कर रहे थे। इसी के साथ साथ सोमराज ने भी इस पूरी चीज़ के ऊपर बात करी, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गॉडलाइक में क्या चेंजेस होने वाला है इनसाइडर्स चाहिए क्या गाइस आपको, बट मेरे को जहां तक लगता है कि गॉडल विल टेक अ न्यू IGL शायद, या तो अभी क्लच गॉड का एग्जाम है ना, बोर्ड का एग्जाम है उसका अभी, तो वो कहां कहां फोकस करेगा, गेम में, पढ़ाई में, स्ट्रीमिंग में टाइम ही ना मिल पाता है, आदमी 12-10 गेम खेल रहा है तो एग्जॉस्ट हो ही जाता है। लाला किधर है? लाला गाइज, लाला का एग्जाम्स है प्रैक्टिकल्स, अभी उसका नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स भी है, तो वो अभी रांची गया है, अभी थोड़े दिन में आ जाएगा वापस। भाई क्या चेंजेस है बता दो यार, टेंशन आ गया घातक का स्टोरी देख के, मेरे को भी नहीं पता गाइज चेंजेस ये गाइज कि अभी से गॉड को गॉड ने काकू बेटी बोलेंगे। काकू बेटी डिसबैन का क्या सीन, डिसबैन क्या डिसबैन हो रहा है भाई? 6 मैन रजिस्टर्ड इन BMOC। हाँ BMOC तो रजिस्टर्ड है अभी ऑलरेडी। हाँ चाहिए यार, ठीक है 6 मैन। BMPS जून में है, ओ टाइम है BMPS। सबसे ओपी वो लैम्बो आया था अगर जून के अंदर ही। अच्छा BMOC नेक्स्ट मंथ है। BMPS अगेन आई गेस, BMOC का भी वो जो 11th में बोला है ना वो पहला राउंड स्टार्ट होगा अपना बाद में, बस वो 6 मैचेस वाला। Guys,
followed you bro, but तूने recently soul को ढोल बोला. That means तेरी गोंड जलती है. So this is a goodbye from my side. भाई हम सबको ऐसे ही बोलते हैं, मतलब बड़े लोग को गुड एयर बोलते हैं, सो लो. तुम अगर मेरा स्ट्रीम रेगुलर फॉलो करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा. इतना अच्छा अच्छा तो नाम है सबका, कुछ लोगों को बुरा लग जाता है तो क्या करें. हम तो प्यार से ही बोलते हैं भाई सबको. मेरा कौन सा उन लोग से लड़ाई हुआ पड़ा है? मेरा किसी से वैसा लड़ाई नहीं है भाई. किसी को हम हेटेड थोड़ी ना देंगे. अगर मेरे को कुछ चाहिए होता जैसे उनको इन रिटर्न फेम या फेम और फॉलोअर्स ऑफ फेम तो सेम ही हो गया. मेरे को हेट देना होता है, मेरे को फेम चाहिए होता तो हम फिर और अटेंशन लेते ना. अब हम नेचुरली सबको ऐसे बोलते तो क्या बोल रहे. और अगर बुरा लगा होता उन्हें तो फिर हम सॉरी बोल देते. बट फिर वैसा मेरा कुछ इंटेंशन ही नहीं था ना कि मेरे को हेट देना है या फेम लेना है. हम नेचुरल बोलते भाई सबको ऐसे. एंड अपनी नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, बात कर लेते हैं. तो सेंसे जब लाइव आए थे तो बात करते गॉबलिन के परफॉर्मेंस के ऊपर. इसी के साथ साथ उनसे पूछा जा रहा था कि BMOC के अंदर उनके अकॉर्डिंग टॉप 3 कंटेंडर्स कौन है, तो इसका भी उन्होंने रिप्लाई करा. एंड हम सबको पता है कि TSM कितना तगड़ा परफॉर्मेंस दे रही थी, तो इस पर भी उन्होंने फन वे में बात करी. उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते. BMOC टॉप कंटेंडर्स कौन है आपके हिसाब से? BMOC टॉप कंटेंडर्स कौन है भाई? एक तो XO है, दूसरी एक्सो है, और तीसरी एक्सो है, तीसरी भी एक्सो. मजाक कर रहा हूँ. कौन सी है जवाब दीजिए, हम देख रहे हैं. मेरे हिसाब से जो टॉप कंटेंडर्स है, एक हमारे TSM और OR, TSM और OR ये दोनों अच्छा कर सकते हैं. एक्सपेक्टेशन है ये दोनों अच्छे करेंगे, बाकी हम तो हैं करने देंगे अच्छा. भाई मैं क्या बोलता है, TSM की बूट कैंप पे जाके उनका अंगूठे उंगले लिया था तोड़ गाइस. गाइस जो हमारे फैन है ना, मैं तुम सबको जिस दिन फाइनल्स होगा और TSM, मुझे पता है कि हमारे मतलब हम दोनों का ही चलेगा कि एक ऊपर होगा एक नीचे होगा और दोनों फर्स्ट के लिए लड़ रहे होंगे. तो मैं तुम सबको, मुझे 10 लौंडे चाहिए वॉलंटियर जिन्हें मैं 10,000 रुपये दूंगा पर बंदे. तो मैं क्या करना है, मैं तुम्हें वो दूंगा पैसे 10,000 रुपये और तुम्हें जाके TSM की वाईफाई की तार काटनी है 10 लौंडे को. कौन करेगा ये भाई? मैं एक लाख दूंगा, तूने मुझे तोड़नी है. मैं 5,000 में, क्योंकि पूरे सस्ते वाले पड़ गए. गाइस बताओ कौन करेगा, आपका चेहरा पहचान जाएंगे ना. मास्टर एंड चले अपने लास्ट न्यूज़ कर रहे हैं, बात कर लेते हैं. तो सीट भाई जब लाइव आए थे तो बात करते टीम सोल के बारे में. लोग उनसे पूछ रहे थे कि टीम सोल का इंस्टाग्राम इतना एक्टिव क्यों नहीं रहता है. इसी के साथ साथ उन्होंने बात की कि अगर टीम सोल जीत जाती है तो उसके बाद वो क्या क्या करने वाले हैं. एंड फिर लोग उनसे बोल रहे थे कि गॉब्लिन कब स्ट्रीम करने वाले, तो उसका रिप्लाई देते उन्होंने कहा था कि फिलहाल तो गॉब्लिन स्ट्रीम नहीं करने वाले. एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि वो BMOC के बाद ही सारे प्लेयर स्ट्रीम करने वाले या BMPS के बाद सारे प्लेयर स्ट्रीम करने वाले, वो तो देखते हैं कि अब क्या होता है. एंड इसी के साथ साथ सेठ भाई ने एक और चीज़ पर बात करी. तो जैसे कि हमको पता है ग्लोबल स्पोर्ट्स की फाइट नाइट चल रही है, तो उसी के अंदर प्लेयर्स के POV दिखा रहे थे, मतलब एक टीम के चारों प्लेयर्स के अलग अलग POV दिखा रहे थे. एंड इसी पे फिर सेठ भाई ने बात करी. एंड उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ने ही मना कर दिया टीम सोल का पूरा POV दिखाने से, क्योंकि इससे क्या होता है कि फिर बाकी टीम्स POV एंड सब स्ट्रेटेजी रीड करने लगती है. एंड इस पर रिप्लाई देते उन्होंने और जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. स्पॉन्सरशिप का टेंशन मत लोगे तुम लोग, सोल के स्पॉन्सरशिप का टेंशन मत लोगे. चुतिया टिप सिर भाई, वी वांट कोलैब विद एपी डिलॉन स्पेसशिप सॉन्ग आफ्टर ऑफिशियल. ब्रो BMPS अगर जीत गए या BMPL जो भी उसका नाम है, मेरा मानना है, गारंटी देता हूं, गारंटी एपी डिलॉन के साथ म्यूजिक वीडियो बनाएंगे, गारंटी. बाकी अगर आप बात करें यहां पे गैरेट, मेरे को देखो, मेरे को गोल्डी भाई थक भाई को पूछने की जरूरत नहीं, जितना खर्चा होगा ना कर देंगे. आइलैंड के शोर के कंपाउंड्स लूटती है, क्योंकि स्पेसशिप का म्यूजिक वीडियो नहीं है अभी तक. एंड इट ओनली मेक सेंस कि जो वीडियो बने वो साथ में बने, समझ रहे हो? ब्रो इवन इफ यू डोंट विन स्टिल मेक इट आइकॉनिक, आई नीड टू सी इट ब्रो, इट विल बी आइकॉनिक. एवरीथिंग सोल डज इज आइकॉनिक, एवरीथिंग दे विल डू विल बी आइकॉनिक. इसका फायदा यहां पे उठाती हैं. अरे यार सोल का कहां है यार POV, देखता हूं रुको. लेट मी जस्ट कंफर्म बिफोर यू स्टार्ट सेइंग शिट. मैंने अपना POV कंटिन्यूसली दिखाने से मना कर दिया है टीम का, क्योंकि गाइस उससे थोड़ी स्ट्रेटजीज रोटेशंस वगैरह पता चलती है, स्काउटिंग कैसे होती है पता चलती है टीम की. तो इसलिए कंप्लीटली सोल का मैंने दिखाने से मना कर दिया है.
मैंने ही मना कर दिया है बड़े लंबे समय से 7C, तो मैं बता देता हूँ तुम लोग को कि मैंने ही मना किया है दिखाने से, क्योंकि वो थोड़ा रोटेशन स्ट्रेटजीज दिख जाती है एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन। यार मतलब तुम लोग को देखने को मजा आएगा नो उनके पीओवी से, बट थोड़ा कंपटीशन के लौड़े लग जाएंगे, यू नो वी डोंट वांट इट टू हैपन। क्योंकि देखो अगर दूसरे टीम का पीओवी दिखता है ना, तो हम लोग जाके स्टडी करते हैं उस चीज को, हम लोग सीखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो हमको पता है कि वो लोग भी करेंगे हमारे टीम के साथ, तो क्यों करना है वो चीज, अवॉइड करते हैं ना। एंड बस आज की वीडियो को ही खत्म कर लेते हैं, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा 30,500 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा करवा देना।